शुभोदय, सबको हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से स्वागत। आज का हमारे कक्षा में आज का विषय है वाच्य। व्याकरण के अंतर्गत वाच्य के बारे में हम आज जानेंगे। इस वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जानना चाहिए या जाना जाए कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वॉइस अंग्रेजी में तो हमें दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ कर्तृवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है। दूसरा कर्मवाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाएगा, उससे व्यायाम किया जा रहा है। और तीसरा होता है भाववाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो या ना कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझे इसे बैठा नहीं जाता। इस प्रकार तीन तरह के वाच्य होते हैं। और इस वाच्य में कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए चार नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कर्ता के स्थान पर कर्म, कर्म के स्थान पर कर्ता का बदलना चाहिए। और उसी तरह कर्ता के साथ से प्रत्यय लगाना चाहिए और कर्म के साथ को प्रत्यय लगाना चाहिए। उसी तरह क्रिया का जा सहायक क्रिया को जुड़कर इसे कर्ता के लिंग वचन के अनुसार उसी का उसका बदलना होना चाहिए। जैसे जा पुंलिंग एक वचन में जाता होगा, पुंलिंग बहुवचन में जाते होंगे, पुंलिंग एक वचन में भूतकाल में गया होगा, पुंलिंग बहुवचन में भूतकाल में गए होंगे, और स्त्रीलिंग एक वचन में भूतकाल में गई होगी, और स्त्रीलिंग एक वचन में स्त्रीलिंग बहुवचन में क्रिया का जा सहायक क्रिया का बोध गई गई होंगी। इसी तरह कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया की बदलना भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम कर्ता है, रावण कर्म है और मारा क्रिया है, मारा भूतकाल में हो, इसीलिए भूतकाल पुंलिंग एकवचन। जिस तरह रावण राम से मारा जाएगा या रावण राम से मारा गया, इस तरह वाच्य को बदलना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।